सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी की थी डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक पॉइंट रह गया था डाइपोल मोमेंट के बारे में बताने में। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि जो डाइपोल मोमेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा किसी भी सॉल्वेंट का। और जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा किसी भी सॉल्वेंट का, वो सॉल्वेंट हमारा कैसा बिहेव करेगा, पोलर क्या होगा नेचर में। ठीक है, जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा क्या होगी, पोलैरिटी होगी किसी भी सॉल्वेंट की। ठीक है, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी किसी भी सॉल्वेंट की, उसके मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड जो है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा वो क्या करेगा, इजीली सॉल्वेंट क्या कर लेगा, सॉल्यूट को क्या कर लेगा, अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, क्यों कर लेगा, क्योंकि अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, पोलर होगा नेचर में। ठीक है, सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होंगी इस केस में वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उतनी ही ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगी, लेटिस एनर्जी को ओवरकम करेगी, जिससे क्या है, हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, ईजिली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट में। तो बेसिकली बात वही आ गई हमारी घूम फिर के, कि जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उतना ज़्यादा हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा नेचर में, और जितना ज़्यादा पोलर होगा हमारा सॉल्वेंट नेचर में उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा जो है बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कल रह गया था कल के लेक्चर में। आज हम करेंगे टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि सॉल्वेंट हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली सॉल्वेंट हमारे मेनली हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ठीक है, द सेकंड वन इज एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। एंड द लास्ट वन वी हैव कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। सो व्हाट आर प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, देखो इट इज क्लियर बाय द नेम, प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। नाउ इट इज़ क्लियर बाय द नेम प्रोटोनिक। ठीक है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट मतलब जो क्या है, ईजिली क्या दे सके, एक प्रोटोन दे सके। ठीक है, और प्रोटोन हमारा क्या होता है, एच पॉजिटिव होता है। मीन्स दोज सॉल्वेंट जो क्या कर सके, ईजिली अपना एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं, उन सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। बट ऑन द अदर हैंड वो सॉल्वेंट जो क्या है, अब जिनके पास या तो क्या है, एच पॉजिटिव आयन होता ही नहीं है, ठीक है, या फिर अगर है भी सही तो वो इजीली अपना एच पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं कर सकते, उन सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स किसको बोलते हैं, वो सॉल्वेंट्स जो अपना जो है प्रोटोन मतलब एच पॉजिटिव आयन ईजिली क्या कर सके, डोनेट कर सकें,
वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे प्रोटोनिक सॉल्वेंट की, बट ऑन दी अदर हैंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कौन से होंगे, वो सॉल्वेंट्स जिनके पास या तो एच पॉजिटिव आयन है ही नहीं, ठीक है, और अगर है पड़ा तो वो क्या है, इजिली डोनेट नहीं कर सकते, उन सॉल्वेंट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटोनिक सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ लाइक H2SO4, ठीक है, और NH3, ये H2O, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट हैं, बट ओनली अदर नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट हो गया हमारा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, C6H6, CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे क्या है, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। तो आई होप आपको प्रोटोनिक और नॉन प्रोटोनिक में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। सेकंड हम इसकी बात करेंगे, सेकंड वन है हमारे पास एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एसिडिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट, ठीक है, वो सॉल्वेंट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, तो वो सॉल्वेंट्स जो क्या है ईजिली या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो अपना एच पॉजिटिव आयन क्या कर दें, रिलीज कर दें, उन सॉल्वेंट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, H2SO4, ये क्या है, अपना एच पॉजिटिव आयन क्या कर सकते हैं, इजीली डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, जो है एसिडिक कैटेगरी में रखते हैं। ऑन दी अदर एंड बेसिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन ईजिली क्या कर लें, गेन कर लें या फिर एक्सेप्ट कर लें, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्वेंट बोलते हैं। एसिडिक देंगे प्रोटॉन, बेसिक क्या है, प्रोटॉन ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रोटॉन वो सॉल्वेंट्स जो क्या है ईजिली क्या है एक्सेप्ट कर लेते हैं एच पॉजिटिव आयन को, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, बेसिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखते हैं। और इसका अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना है इज कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया इजिली क्या है एच पॉजिटिव आयन लेके और NH4 पॉजिटिव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अमोनिया क्या है हमारे पास, बेसिक सॉल्वेंट है। और भी एग्जांपल है हमारे पास, EN, इथाइलिन डाइएमिन भी क्या है हमारे पास, बेसिक सॉल्वेंट है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जिनकी ना तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है प्रोटॉन देने की और ना ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है प्रोटॉन लेने की, ठीक है, उन सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो ना ही एसिडिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं और ना ही ये बेसिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, बल्कि इनके अंदर जो है जो रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्टिंग स्पीसीज, सोल्यूट कैसा है और हमारा सॉल्वेंट कैसा है, इनके बीच की इंट्रैक्शन के ऊपर हमारा जो है रिएक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है। ये तो ना तो एसिडिक होते हैं, ना तो ये प्रोटॉन लेते हैं और ना ही ये क्या है, प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। वी हैव वेरियस एग्जाम्पल लाइक एल्कोहल, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कोई भी ले लीजिए, वाटर इज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर की टेंडेंसी क्या है, वाटर क्या है, ना तो एसिडिक में आता है और ना ही हमारा बेसिक कैटेगरी में आता है, ये दोनों ही काम कर लेता है, इसलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, एच पॉजिटिव एम्फोटेरिक कैटेगरी में हम इसको प्लेस करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, इम्पॉर्टेंट है ये सॉल्वेंट, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, ठीक है। वो सॉल्वेंट, दोज सॉल्वेंट्स जो क्या चले जाते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन में चले जाते हैं, या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन का दूसरा नाम होता है ऑटो आयोनाइजेशन, ठीक है। वो सॉल्वेंट जो सेल्फ आयोनाइज हो जाते हैं उन सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। लेकिन वो सॉल्वेंट्स जो सेल्फ आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। जनरली जो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होते हैं वो सेल्फ आयोनाइज होने के बाद, ठीक है, हमारे पास दो आयन्स देते हैं, एक
क्या होते हैं अनायन देता है और एक क्या देता है कैटायन दे देता है। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। नाम सीख ले, सेल्फ मतलब खुद से, मतलब जैसे वाटर है, वाटर क्या कर सकता है, खुद के ही एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एक पॉजिटिव आयन दे देता है और ये क्या दे देता है, नेगेटिव आयन दे देता है। तो वाटर क्या है, हमारा सेल्फ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है, मतलब ये क्या है, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। आगे वैसे मैं तो दैट मीन्स जब आयोनाइजिंग सॉल्वेंट क्या देते हैं, एक तो कैटायन की करेक्टरिस्टिक्स देते हैं और एक क्या देते हैं, अनायन की करेक्टरिस्टिक क्या है दे देते हैं। और समझते हैं जैसे NH3 भी क्या है, एक आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। NH3 खुद के ही एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या दे देता है, एक कैटायन की करेक्टरिस्टिक देता है और एक अनायन की करेक्टरिस्टिक देता है, ठीक है। और आगे जब हम इन फ्यूचर कभी पढ़ेंगे तो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एसिड और बेस को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे कि एसिड जनरली उस केस में हम किसको बोलते हैं, जो क्या है, इजीली कैटायन की करेक्टरिस्टिक दे दे सॉल्वेंट की, वो एसिड होता है। और जो बेस है वो अगर अनायन की करेक्टरिस्टिक दे दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। वो फ्यूचर की बात है, वो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनरली आयोनाइजिंग सॉल्वेंट जो सेल्फ आयोनाइज हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स बोलते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो वो सॉल्वेंट्स जो सेल्फ आयोनाइज नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स बोलते हैं, लाइक बेंजीन, ठीक है, CCl4, ये हमारे क्या है, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। आई होप नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। इसका तो नाम से ही क्लियर है, कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग। वो सॉल्वेंट्स जो क्या करते हैं, मेटल आयन के साथ क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उन सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स बोलते हैं। मतलब वो सॉल्वेंट जो क्या है, मेटल के साथ, ठीक है, क्या बनाने की कैपेबल होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो क्या कर ले, मान लो हमने कोई सोल्यूट डाला और सोल्यूट के अंदर जो मेटल था, ठीक है, सॉल्वेंट ने क्या किया, उस मेटल के साथ सॉल्यूट के क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट कहेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड वो सॉल्वेंट जो क्या है, मेटल के साथ सॉल्यूट के मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, उन सॉल्वेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स वी हैव वेरियस एग्जाम्पल इन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स लाइक DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज DMF, ठीक है, डाई मिथाइल फॉर्मा अमाइड, ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स है। बट ओनली अदर आर नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स इज लाइक CCl4, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉन कोऑर्डिनेटिंग क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर हमारे टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स जो होते हैं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।